सोनी न्यूज खबर आपकी। दिल्ली में देर रात सड़क हादसे में जेएनयू के पीएचडी सोलर सेंटर ऑफ लॉ ऑफ गवर्नेंस के छात्र एंड्रू कमाइया 31 साल की छात्र की सड़क हादसे में मौत हो गई। साथ ही छात्रों के मुताबिक वह देर रात किशनगढ़ से जेएनयू हॉस्टल ब्रह्मपुत्र में अपनी स्कूटी से लौट रहा था, तभी रास्ते में अचानक उसकी स्कूटी का बैलेंस बिगड़ गया, जिसके चलते वह स्कूटी डिवाइडर से टकरा गई और वह गंभीर रूप से घायल हो गया। एंड्रू को फोर्टिस हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं दूसरी तरफ जब इसकी सूचना मिली तो सुबह से ही जो उसके साथ के छात्र थे वो मौके पर पहुँचते हैं, जहाँ पर यह हादसा हुआ। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जिस जगह पर जेएनयू के 31 साल के छात्र की मौत हुई थी, वहाँ पर पुलिस के अधिकारी के साथ साथ जो उनके साथ के लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं। क्या कहते हैं साथी, आइए ये सुनते हैं कि एंड्रू कहाँ से कहाँ जा रहा था और किस वक्त ये हादसा हुआ, कैसे एक्सीडेंट हुआ था। सर मैं भी लगभग 2:50 में मेरे पास में मैं वॉचअप आ गया था ग्रुप में, तो मैं उस टाइम में मेरे को पीछे से आ गया, अरे कैसे हो गया, कह रहे कि आपका कम्युनिटी में, जिले में स्टूडेंट यूनियन का एडवाइज़र हूँ, तो अपनी कम्युनिटी का बंदे फोर्टीज में ऐसे हो गया, एक्सीडेंट हो गया, तो ट्रॉमा से एमरजेंसी वार्ड में है, क्रिटिकल है, चले जाना। तो मैं भाग गया, भागते भागते पुलिस ने मेरे को पुलिस का कराने है कि पुलिस ने बताया है कि वो ने पीछे से एकदम ऐसी रात में बिना हेलमेट के लिए आ गया, तो डिवाइडर में ठोक गया। अभी फिलहाल ऐसे मतलब उनका स्प्लिन सब कुछ, इंटरनल ब्लीडिंग, उसका बाद ये जो प्रॉब्लम हो गया सब कुछ ऐसे ही इंटरनल ब्लीडिंग हो गया। तो डॉक्टर ने भी कितना कोशिश किया मतलब बचाने के लिए, छोटी छोटा का धीरज का, धीरज है डॉक्टर का नाम, उन्होंने कोशिश किया बचाने के लिए, 2 घंटा ऑक्सीजन लगाई, ब्लड भी एक्स्ट्रा लगाई, फ्लूड लगाई, फिर भी वो ऑन द प्रोसेस 2 बार उन्होंने उनका हार्ट बीटिंग चला गया, हार्ट अटैक हो गया था 2 बार। अच्छा, जिनकी मौत हुई क्या नाम है और क्या एज है, क्या करते थे? वो जेएनयू में पीएचडी स्कॉलर है, सेंटर एंड लॉ एंड गवर्नेंस में वो पीएचडी स्कॉलर है और ब्रह्मपुत्र हॉस्टल में वो रहता है। क्या नाम है और क्या उनका नाम है? एंड्रू कामई। अच्छा, क्या एज थी? एंड्रू, क्या एज क्या थी उनकी? उनका एज है 31 ईयर्स। अच्छा, तो ये कहाँ से कहाँ जा रहे थे रात में जिस वक्त एक्सीडेंट हुआ? वो लगभग 1 बजे से खाना खा के उनका कजिन सिस्टर का पास किशनगढ़ से जेएनयू उनका हॉस्टल में सोने के लिए वापस आ रहा था, वो रास्ता में ऐसे उनका मौत हो गया था। अच्छा, रहने वाले कहाँ के हैं? ये रहने वाला मणिपुर का है। अच्छा। और मणिपुर एक गाँव है, लोकतक प्रोजेक्ट। तो आपने देखा कि एक बार फिर से तेज रफ्तार और ट्रैफिक नियमों का पालन ना करने की वजह से 31 साल के छात्र की मौत हो गई। जेएनयू का ये छात्र मणिपुर का रहने वाला है और जेएनयू में पीएचडी की पढ़ाई कर रहा था और देर रात ये किशनगढ़ अपने रिश्तेदारों से मिलकर अपने हॉस्टल ब्रह्मपुत्र जा रहा था, तभी अरुणा अशरफ अली मार्ग पर संतुलन बिगड़ने की वजह से इनकी स्कूटी डिवाइडर से टकराई, जिसके बाद ये दर्दनाक हादसा हुआ। आर सोनी न्यूज के लिए कैमरामैन गौरव सिंह के साथ राकेश सोनी, आर सोनी न्यूज़।